Realme 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन वर्सेस Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन। मैं जानता हूं कि ये कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन आप सबकी डिमांड आ रही है तो मैं उसके ऊपर नहीं कुछ कर सकता। हम में से काफी सारे दोस्तों ने कहा था कि Realme 13 Pro Plus का कंपैरिजन करो Samsung Galaxy S24 Ultra के साथ, तो उनमें भी उसका एक रीजन था 120x जूम, क्योंकि S24 Ultra के अंदर भी आपको अच्छा खासा जूम मिलता है एंड 13 Pro Plus के अंदर भी आपको अच्छा खासा जूम देखने जाता है। लेकिन सच में आपको बता दूं, यहीं पर शुरुआत में ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ पर अगर मैं दोनों के ही जूम को देखता हूँ तो दोनों के ही जूम में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने जाता है, क्योंकि दोनों में ही सेंसर्स का बड़ा फर्क देखने को जाता है। और वही बात सेंसर का है, दूसरी बात प्राइसिंग में भी आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने जाता है, जहां पर S24 Ultra आपको अप्रोक्स 1 लाख प्लस प्राइसिंग के साथ मिलता है, दूसरी तो 13 Pro Plus की बात करता हूं तो अप्रोक्स 30-35,000 के अंदर देखने जाता है, यानी भाई 70-80,000 का नॉर्मली आपको बिल्कुल आराम से फर्क देखने जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बड़ा प्राइस में डिफरेंस है। तो ठीक है, यहां तक तो मिल जाता है, तो चलिए अभी मैं आपको स्पेक्स भी बता देता हूं कि दोनों स्मार्टफोन में कौन से स्मार्टफोन में बेहतरीन स्पेक्स देखने को जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पर पूछने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, जहां पर 70-80,000 का फर्क है वहां पर स्पेक्स का भी सीधा सीधा फर्क हमें देख मिलेगा। डिजाइन एंड डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर Realme 13 Pro Plus में देखने को जाता है बैक में वीगन लेदर एंड विदाउट वीगन लेदर, दो वेरिएंट में आपको देखने जाएगा, जहां पर कर्व्ड एजेस रहने वाली है। फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड कंसोल यहां पर आपको डिस्प्ले देखने जाएगी, जो कि कर्व्ड एजेस के साथ रहने वाली है। ये डिस्प्ले होगी एमोलेड पैनल के साथ हमें देखने को मिल जाएगी एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है, 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस रहेगी एंड बेजल्स होंगे वो हमें यहाँ पर काफी हद तक कम देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई काफी अच्छी डिस्प्ले रहने वाली है, डिस्प्ले कलर्स है काफी अच्छे हैं एंड व्यूज एंगल है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे देखने को जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ S24 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन की, तो बैक में यहाँ पर प्लेन डिजाइन देखने को जाता है, सैमसंग ने कोई भी टेक्सचर वगैरह यहाँ पर यूज नहीं किए, फिर भी भाई जो स्मार्टफोन की लुक है वो एक प्रीमियम ही नजर आती है, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन यहाँ पर देखने को जाता है। फ्रंट साइड में आते हैं तो मिड पंचोल डिस्प्ले, जो कि फ्लैट डिस्प्ले है, बेजल्स हैं बिल्कुल ही कम हमें यहाँ पर देखने जाते हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशो हमें यहाँ पर रियलमी से अच्छा देखने को मिल जाता है एंड जो डिस्प्ले है वो डायनेमिक LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को जाती है, जो कि अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो अप्रोक्स 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ मिलती है। डिस्प्ले कलर्स की बात करूँ, नो डाउट काफी बेहतरीन देखने जाते हैं, काफी अच्छे कलर्स हैं, काफी अच्छे व्यूज एंगल देखने जाते हैं। तो ये थे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले एंड डिजाइन, जो कि मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी बात करते हैं कि अगर इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में से एक स्मार्टफोन की डिस्प्ले चूज करनी है तो कौन सी चूज करनी चाहिए, तो देखो यार जैसे कि मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सबको बता सैमसंग की डिस्प्ले कितनी बेहतरीन होती है, तो उसी वजह से S24 Ultra की डिस्प्ले नो डाउट यार यहाँ पर बेहतरीन हमें देखने को मिल जाती है। डिजाइन हाँ आप बता देना आपको कौन से स्मार्टफोन का अच्छा लगा। अभी बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमराज की, और कैमरे की बात करता हूँ तो यहाँ पर Realme 13 Pro Plus में 50 MP साथ मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP, सेकेंडरी अगेन 50 MP एंड थर्ड है वो 8 MP कैमरा के साथ मिलता है, सेल्फी 32 MP की। दूसरी तरफ S24 Ultra की बात करता हूँ तो ये 200 MP ट्रिपल कैमरा के साथ मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 200 MP, सेकेंडरी 10 MP एंड थर्ड लेंस है वो हमें 50 MP के लेंस के साथ मिलता है। जो सेल्फी है वो हमें 12 MP की देखने को मिल जाती है। रियर साइड में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जबकि बात करूँ सेल्फी की तो यहाँ पर आप सिर्फ 4K में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आपको दोनों स्मार्टफोन के कुछ कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ, और जिस प्रकार से हमें दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, सेम उसी तरह एग्जैक्ट हमें यहाँ पर कैमरा में भी फर्क देखने को जाता है। जी दोस्तों, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, काफी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को जाता है। जो S24 Ultra है उसकी पिक्चर क्वालिटी हमें काफी बेहतरीन देखने मिलती है एज टू कंपेयर करें Realme 13 Pro Plus से, तो नो डाउट कैमरा के मामले में अगेन S24 Ultra विन हो जाता है। बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप की, परफॉर्मेंस की यहां पर मैं बात करता हूं तो Realme 13 Pro Plus में देखने को जाता है Snapdragon के 7S Gen 2 चिपसेट के साथ, यहां पर अगर मैं बात करता हूं Android 14 के साथ मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ Samsung Galaxy S24 Ultra 5G स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट के साथ मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन भी Android 14 के साथ ही देखने को मिल जाता है। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करता हूँ भाई काफी बेहतरीन है, बाकी दोनों स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन वही बात आती है हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, हमें चूज करना है इन दोनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन, तो यहाँ पर S24 Ultra आपको बेटर गेमिंग करवाएगा, और गेमिंग ही नहीं दोस्तों यहाँ पर जो हम बैटरी बैकअप मिलेगा वो भी S24 Ultra के अंदर ही अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी देखने जाती है। हालांकि जो चार्जिंग स्पीड है वो सिर्फ 45 W का है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ Realme 13 Pro Plus में तो यहाँ पर 5200 mAh की बैटरी देखने मिलती है एंड जो चार्जिंग स्पीड है वो 80 W की देखने जाती है। अब आपको बेसिक ये लग रहा होगी 5200 mAh तो Realme आपको बेटर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो ऑप्टिमाइजेशन आपको अच्छा देखने मिलता है वो S24 Ultra में आपको अच्छा देखने मिलता है, और यहाँ पर कुछ हद तक आपको बेटर यहाँ पर बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो Realme 13 Pro Plus में ही अच्छी रहने वाली है। तो ये दोनों स्मार्टफोन के सारे स्पेक्स जो कि मैंने आपको बताया, आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अभी बात करते हैं कि अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन खरीदना तो कौन सा खरीदना चाहिए। देखो यार, आपके बजट पर डिपेंड करता है कौन सा स्मार्टफोन आपके बजट में आता है, पहली बात तो। लेकिन अगर आप इन दोनों में से ही अगर कंपैरिजन में एक स्मार्टफोन चाहते थे तो S24 नो डाउट यार वन साइडेड विनर हो जाता है हर एक चीज में, चाहे मैं डिस्प्ले की बात हूँ, कैमरे की बात हूँ, परफॉर्मेंस की बात हूँ या बैटरी की बात हूँ। बाकी आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय दोस्तों।